हमेशा ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि जो महंगी चीज़ हो वही अच्छी हो, कभी कभी सस्ती चीज़ें भी अच्छी होती है. दैट्स व्हाई आई बिलीव इन अफोर्डेबिलिटी. इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर स्मॉल किचन कॉर्नर फ्रॉम दिस टू दिस, then please watch this video. Hello my creative and peaceful souls, welcome back to the channel. Hope you are doing great. Welcome to the another episode of My Home My Dream by Kiran. Yes. So आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ मेरा छोटा सा kitchen का organization. Yes. छोटा सा corner है जिसको मैं organize करने की कोशिश कर रही हूँ. जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर है बहुत ज़्यादा messy चीज़ें. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको निकाल के एक मैं organizer ला रही हूँ so that मेरे kitchen में थोड़ा सा space और हो जाए, क्योंकि मेरा kitchen है बहुत छोटा. जी हाँ, कि अगर आपका किचन बड़ा है तो ही वो अच्छा लग सकता है, तो ही वो खूबसूरत लगता है. आपको बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे अपनी चीज़ों को. ऑलवेज अबाउट स्पेस, इट्स ऑलवेज अबाउट फीलिंग. सो गाइज, दिस इज़ दी कैबिनेट जो मैंने अभी बनवाया है. मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका डिज़ाइन. मुझे वहाँ पर एक पीस दिखा था और मैंने कहा मुझे बस ऐसा ही बनवाना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. देयर आर थ्री ड्रॉअर्स ओवर हियर, तीनों में कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है. आई कैन से And you can see this. See this one is a look at this space. मेरा काफ़ी सामान आ सकता है. So first thing come first. सबसे पहले मैंने यहाँ से सारी चीज़ें निकाली, इसे declutter किया और यहाँ की सफाई. ऐसा क्या होता है, अगर आप छोटे मोटे makeover करते रहते हैं तो आपके area की सफाई भी हो जाती है और आपका घर भी neat and clean लगता है. Then from local market I got these two non-slippery mats जो कि आपको Amazon में आराम से मिल जाएंगे. अब ये रखना इसलिए ज़रूरी था कि अगर मैं कुछ भी अपना माइक्रोवेव या कुछ भी इसके ऊपर रखूँ तो इसमें नीचे कोई स्क्रैचेज ना आए. देन इसको स्टेबल रखने के लिए मैंने यूज़ की ये मास्किंग टेप. यू कैन यूज़ डबल टेप और एनी अदर टेप विच यू हैव, तो इससे ग्रिप बनी रहती है और ये इधर उधर नहीं जाता. नाउ ये जो सारा सामान था मेरा क्लटर्ड पड़ा हुआ, अब मैंने एक एक करके उसको साफ करके ड्रॉर में रखना स्टार्ट किया. एंड प्रो थिंग इज़ दैट कि आपको हमेशा हर चीज़ साफ़ करके रखनी चाहिए. इससे क्या होता है, आपकी एक बार सफाई भी हो जाती है और आपका घर भी नीट एंड क्लीन लगता है. अब आती है बारी सबसे बड़े रैक में सारी चीज़ें रखने की. सो मेरा सारा सामान जो क्लटर्ड था, इधर उधर फैला हुआ था, अब मैंने इसको एक एक करके सारा रखना स्टार्ट किया. एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन एडिशन इन माय किचन मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, काफ़ी ज़्यादा डीक्लटर्ड हो गई. सो हियर कम्स माई फाइनल पार्ट जिसमें मैंने इसे एडजस्ट किया अपने किचन के कॉर्नर में. जी हाँ, ये किचन का कॉर्नर बिल्कुल खाली था और काफ़ी अच्छा भी नहीं लगता था. तो अब मैं एक एक करके यहाँ पर चीज़ें रखी और ये काफ़ी अच्छा लगने लग गया इस मेकओवर के बाद. वैसे तो मैंने ये वाला रैक बनवाया था फॉर माई OTG, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन एडिशन इन माई किचन मेरा किचन काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है एंड काफ़ी सुंदर भी लग रहा है. अब आती है मेरे पुराने रैक की बारी जिसमें मैंने रखी थी थोड़ी सब्जियां और अपने जार्स एंड ऑल. अब मैं इसका क्या करूंगी, ये जो दो है नीचे के, आई विल कीप इट एज माय ऑर्गेनाइज़र और एनी स्किन केयर ऑर्गेनाइज़र और एनीथिंग. और जो ये सबसे ऊपर वाला है, इसका मैं क्या करूँगी, इसमें मैं रखूँगी अपनी सब्ज़ियाँ. जी हाँ, एंड आई पुट वन न्यूज़पेपर डाउन और उसके बाद मैं अपनी सारी सब्जियाँ इसमें रख दूँगी एंड इट विल लुक वेरी नाइस. Now here comes my favorite part of decorating this table और जो इसके ऊपर चीज़ें रखी हैं. तो मैंने यहाँ पर एक मैट लिया है, इसके ऊपर मैंने एक कैटल रखी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है. एंड उसके बाद मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था आउल. अब इसमें मैं अपनी बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा असेंशियल चीज़ें होती है वो रखूँगी सो दैट मुझे बार बार उन्हें ढूँढना ना पड़े.
Here comes my cute little money plant, जो कि मैंने बरिस्ता की एक बॉटल में डाला हुआ है. And here comes my छोटू क्यूट सी बर्नी, जिसमें मैंने थोड़ी सी काजू किशमिश ये सब ड्राई फ्रूट्स रख दिए, सो दैट एनी वन कैन कम एंड ईट इट एनी टाइम. एंड दिस इज़ दी वन थिंग विच आई गॉट फ्रॉम Amazon. अब मैं इसे हैंग करूँगी सामने, एंड आई लव दिस वन. दिस लुक सो नाइस इन योर किचन. सो दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट. सो रैक के, मेरे पुराने रैक के ऊपर वाले कंपार्टमेंट को मैंने निकाल के इसमें अपनी सब्जियां रख दी हैं, और इसमें हैंडल है जो कि ईजली मैं इसको अंदर बाहर कर सकती हूँ. नीट सुपर क्लासी, एंड दिस इज द फाइनल रिवील, एंड आई एम सिंपली लविंग इट. आपका छोटा सा किचन खूबसूरत लग सकता है, आपको बस थोड़े से चेंजेस करने होते हैं, और मैंने बस थोड़े से चेंजेस करके इस एरिया को काफ़ी खूबसूरत बना दिया है. नॉट सो मच ऑफ ताम झाम, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी नाइस. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सी यू सुपर डुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड टेक केयर.